सभी उपस्थित स्टेज पर गुणीजनों को मेरे तरफ से आप लोगों का पैर पड़ता हूँ, जो वहाँ पर जो है सब ध्यान स्टेज के बड़े लोगों को सबको सादर प्रणाम, आप लोगों को सादर प्रणाम, बाबा राम राम नमस्कार सर्वांना, इथे जास्त काय बोलायला येत नाही, आम्ही काम करायचं, हम लोग कामगार है, हम लोग काम करता है, हम लोग को बोलने को नहीं आता। बोलने के लिए बाजू में बोली आयशा है इधर मेरी जान, कभी भी कुछ काम होगा करके निकल लो, दो चीज़ बोलता है, अच्छा था गया, अच्छा हुआ गया, बाकी कोई पूछने वाला नहीं है, समझा, कुछ लेके जाने वाला नहीं है, ना सोना ना चांदी ना कुछ, तो जो छोड़ के जा रहे वो छोड़ के जाओ, ये छोड़ के जाओ जो इनके दिल में प्यार, तो इनको मैं फॉलो करता हूँ, ये अगर इनने बोला तो मेरा बेटा भी तो एम्बुलेंस और देने वाला है, वो आप लोग जहाँ आप लोग को रखना है रखो, मगर जितना होगा वो तो दो ही है, मगर लाइन चालू ही रहेगा, जितना चाहिए गाड़ी वो लेते रहने का भाई, क्योंकि काम करने वाले रोड फील्ड वर्कर लोग हैं, उनकी ज़्यादा इज्जत है, हम लोग ये दिया तो कोई उपकार नहीं किया, वापिस से बोलता हूँ, जैसा झाड़ लगाया तो मैंने उपकार नहीं किया मेरे किसी पे, एम्बुलेंस दिया तो किसी पे उपकार नहीं किया भाई, ऐसा तो ये करना चाहिए, अभी बकुल मैडम और उनका जो बैठक कर रहा है कुछ पूछता भी नहीं, खाली काम ही चालू है बॉस, तो ये मनते कि तुम बताओ कि कैसा है इनको, सबके दिल में प्यार है यार, सबके दिल में माँ है यार, बाप काम पे निकला है मगर माँ का दिल तो सबके पास है, बराबर नहीं मेडू, तो माँ का दिल रखो, समझ गया ना, आईच हृदय ठेवायच, आई म्हणजे सर्वोत्तम, त्यांना माहित आहे स्नेह काय, समजलंस ना, तो हे आमचं आई आहेत, अपने रॉकी बाबा के नाम पे ये सब किया है, बोल के मैं हाँ मैंने बोल के बिगाड़ने का कुछ मतलब नहीं बनता है दोस्त लोग, सब लोग को सब मालूम है, नव रस सब में है, सात रंग सब में है, किसका भाव ज्यादा है किसका कम है वो आप लोग के ऊपर है कि नहीं बड़ू, आप लोग का एरिया बहुत मजबूत है, आपका मुंबई क्या बोलता है भाव, सही जाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ नहीं चले जाऊ, कुछ नहीं, अपने को अपने बच्चे लोग को अच्छा एजुकेशन देके जाने का, वी हैव टू ट्रेन आवर लिटिल बेबीज, अपने बच्चे दे शुड अंडरस्टैंड द कंसर्न द केयर द लव द अफेक्शन, दैट्स इम्पोर्टेंट, बाकी तो समझिए अपन तो आधा खबर में बैठे ले, अभी खबर में से खाली मुंडे कोर्स है, नब्बे तक तो खींचने गए, नहीं नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ यार, 90 तक खींचने के लिए पहले तो झाड़ पान सॉलिड लगाओ, आप लोग का जगह इतना अच्छा है, हम लोग 8वीं से जब आते थे लोनावला में, जहाँ वो भोगदा खुलता था लोनावला का, तो हम लोग का ऐसा लगता था कि कहाँ जन्नत में आ गए, तो वैसे ही बरकरार रखो इसको, यहाँ के जितने भी मेयर साहब है, आपके इतने कार्यकर्ता है, शेल्के साहब है, बहुत सारे लोग है जो सब पक्ष के भी हो, कहीं से भी आओ भाई, पर पक्षी का ध्यान रखो, सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी भाषा कोई भी जात पात अपने को क्या लेना देना है यार, जलाएगा गाड़ेगा लटकाएगा क्या करने वालों में, अपने को वो सोचने का कि अपन यहाँ क्या करके जा रहे हैं, अच्छा और बुरा सब है, इतना अच्छा भी नहीं कि भगवान है, इतना बुरा भी नहीं कि शैतान है, मगर अच्छा ही बुरा है या इंसान है बीच में, सो लेट्स होल्ड दैट पॉइंट ऑफ ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटेरियन, इंसान बन के जीने की कोशिश करने का, बाकी कुछ नहीं, किसी को चांद दिखता है बोलता हूँ जैसा किसी को दाग दिखता है, अपने को चांद दिखता है, अपन दाग देखते नहीं, सब में दाग है भाई, एवरीवन्स गॉट अ ब्लैक स्पॉट, सो दैट डजंट मीन दैट वी ऑल बैड, वी आर ह्यूमन, हम लोग इंसान है भाई, सब में बुराई है सब में अच्छा ही है, तो क्या क्या झाड़ देखते रहेगा, शेजारी का बगते सोताला बगना, अपनी आंख में देख, सुबह ब्रश करने के टाइम पे मालूम पड़ जाएगा कितना अच्छा है, दो सेकंड खाली ब्रश करते हो ये मी है करे सुबह उठ के अपनी आंख में देख लेने का, फिर दूसरे की बुराई करने का, सिंपल है लॉजिक बाबा, नहीं नहीं देखने का इच, उठ के देखो आई की आंख में देखो तो मालूम पड़ेगा कितना प्यार है, आंख माँ को भी पकड़ के देख, कभी अपने बच्चे को पकड़ के दोस्त जितना मोबाइल को देखता है उसको तो पकड़, मोबाइल में घुसे रहते सब देखो तो चारो, इट्स नॉट राइट बॉस, हकीकत है वाह, पकड़ो अपने महबूबा को पकड़ो, अपने बच्चे को पकड़ो, अपने माँ के आंख में देखो, मगर देखो जब आंख में देखेगा तब सब बात समझ में आएगा, दोस्त और बुराई और अच्छाई सब में है, ये नहीं कि बुराई बुराई बुराई, अरे इंसान है यार, सब में एक ही रंग है यार, कौन अलग है, सबका लेबल अलग है, बाकी कुछ अलग नहीं है, वैसे ही भूख लगता, वही सब इमोशन है भाई लोग जो मेरे में,
जो आप में है वो मेरे में है, तो एक समझ के चलो, इनके इमोशन को समझ के चल रहा हूँ मैं, और ये एम्बुलेंस दिया काहे ऑब्लिगेशन खोना लेना है कुछ नहीं। मेरे घर में भी मेरी गर्लफ्रेंड को जब मैं पहली बार तो रेस्क्यू करती थी रेप्टाइल, पहला डेट पे मेरा गर्लफ्रेंड जो बाइक को आता ऐसा किसी स्नेक होता बोले रेस्क्यू करो ना लेते आता देर से, तो ये मेरा पहला इनकाउंटर है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। मैं गले मिलूँ कि मैं क्या करूँ आप तब से दोनों आ जाए मगर सब पालो डालिंग, खाली अपना रॉकी बाबा के नाम पे डॉगी है, मगर कितने कैटल दिखते वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कैटल, उनको भी छोड़ देते क्योंकि उन लोग कुछ काम का नहीं, इनको ऐसा लगता है यहाँ पे, उसके लिए भी बनाओ भाई हर चीज़ के लिए। बच्चे गरीब घूमते क्यों घूमना चाहिए सिग्नल पे, बच्चे किसके बाप ने बोला कि सिग्नल पे बच्चे लोग को रखने के लिए, रखा है सब लोग दे रहे ले। बहुत सारी चीज़ें बड़ू बहुत सारी चीज़ें, जिंदगी कम है, मगर ये जो करने आया हूँ ये मैंने किसी पे कुछ उपकार नहीं किया। आयशा जी आप एक हमारे लिए देवी माँ की तरह है जो एक एक डॉगी बाबा को संभाल रहे हैं, बहुत ऊंचा काम है, और आप लोग सबका भी बहुत बड़ा बात है कि उनके लिए खाने का स्थान रखा है। मैं अपने बच्चे की तरफ से दो और एम्बुलेंस दूंगा जब भी आप लोग बोलेगा हुक्म करेंगे, क्योंकि मेरे को टाइगर ने बोला टाइगर को बहुत पसंद है ये सब, मेरे को थोड़ा थोड़ा पसंद है, मतलब मैं लेके मेरे दोस्तों को दे देता हूँ मेरे पास जो आता है। आई कांट हैंडल इट, मैं अपने आप को नहीं संभाल सकता तो मैं किसको संभालूंगा, बस संभालने वाला उसको चाहिए। तो मेरे टाइगर बाबा के पास दवा की है सब चीज़ें जो चाहिए वो है, मेरी औरत के पास है सब है सब है, तो मैं संभाल रहा हूँ और मेरे आई ट्राई माई बेस्ट टू बी विथ पार्ट ऑफ द एकता मंच SAS इंडिया। आप मुझे जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा, मेरे दिल में और कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जो बेजान जो बोल नहीं सकते उनको अपन हेल्प करते, आप लोग सबको ब्लेसिंग्स ही मिलेगा डार्लिंग, बाकी कुछ नहीं, दिल में कुछ भी खपट नहीं है, सिंपल आया हूँ और सिंपल जाऊँगा, खेती बाड़ी करूँगा। जय हिंद जय महाराष्ट्र, आभारी आयशा जी, थैंक यू। हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, प्लांट्स देने का है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग प्लांट्स ही देते हो सबको अच्छा है, फूल फूल काट के देते रहो, मगर प्लांट्स देने का, बच्चे लोग को प्लांट्स देना चाहिए, लगाना जाके हर बर्थडे वार्ड दिवस लावाइचा है बाबा से। आप सब बच्चों को प्लांट्स देने से पहले मैं एक और चीज़ अनाउंस करना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमारे बीच अभय कुमार परब जी हैं, पारक जी हैं, पारक ऑफकोर्स अभय कुमार पारक जी हैं जो लोनावला की बहुत ही फेमस नेशनल चिक्की के ओनर हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ स्टेज पे आएँ। जैकी दादा, इन्होंने हमें कल ही प्रॉमिस किया है और कि वो 75 नए फीडर पॉइंट्स लगाएंगे ऑल ओवर लोनावला एंड खंडाला एरिया, और ये काम वो अगले 2 महीने में ख़त्म कर देंगे जहां हम और ज़्यादा बच्चों को खाना दे सकें। थैंक यू सो मच, हम बहुत आभार